नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाओं को जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया था। कारण था कोरोना और लॉकडाउन, लेकिन अब ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे। बोर्ड ऑफ भिवानी इसके लिए पूरी तरह से तैयारियों में लग चुका है। हालांकि बोर्ड 10वीं की कक्षा के उन विद्यार्थियों की परीक्षा लेगा जो कि 11वीं की में साइंस लेंगे। साइंस नहीं लेने वालों की छात्रों की साइंस की परीक्षा नहीं होगी, इसके लिए बोर्ड अलग से शेड्यूल जारी करेगा। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच में होगी। इसके साथ ही बोर्ड 10वीं की परीक्षा सोमवार को घोषित कर देगा। पलपल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। वहीं हरियाणा के छात्रों को अब बोर्ड की परीक्षा की तैयारी एक बार फिर से शुरू करनी होगी। हरियाणा राज्य भिवानी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए और चेयरमैन डॉक्टर जगशीर सिंह ने बताया है कि बोर्ड 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में 12वीं कक्षा की परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के मानकों को भी पूरी तरह से माना जाएगा। बोर्ड ने तय किया है कि रोल नंबर वही रहेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना आवश्यक है, इसलिए बोर्ड के सेंटर बदल दिए जा सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि बोर्ड का शेड्यूल और परीक्षा का शेड्यूल बच्चों को पहले से ही बताया जाएगा। वहीं 10वीं की साइंस का पेपर उन्हीं छात्रों को देना होगा जिन छात्रों ने 11वीं में साइंस लेनी है। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 10वीं की 4 परीक्षा हो चुकी थी, उसका रिजल्ट दिया जाएगा। इसके अलावा 5वीं परीक्षा साइंस की थी जो कि अब नहीं हो पाई। अब 4 के आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जुलाई में परीक्षाएं होंगी, तो बोर्ड की चाक चौबंद व्यवस्था है। बोर्ड 1 से 15 जुलाई के मध्य में जो स्थगित परीक्षाएं होगी थी 12वीं कक्षा की, वो लेगा। 10वीं के लिए सब क्या है, 10वीं भी परीक्षा रहेगी, परीक्षा तो 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को आखिरी परीक्षा हुई थी, 19 मार्च से परीक्षा स्थगित हो गई थी। अब 3 महीने लगभग बीतने वाले हैं, तो उसमें विद्यार्थियों ने कितनी तैयारी की होगी, कितनी नहीं की होगी लॉकडाउन के कारण से। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि सोमवार को 10वीं का परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। तो बोर्ड ने तैयारी अपनी कर ली है, सोमवार को निश्चित रूप से हम 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम देंगे। 4 परीक्षाओं को आधार मानते हुए 5वीं की एवरेज उस पर इसमें निकालते हुए विज्ञान की का अहम रिजल्ट देंगे। और जो विद्यार्थी विज्ञान विषय में 11वीं करेंगे उनको विज्ञान की परीक्षा बाद में देनी होगी। उसके बाद जब विद्यार्थी तय हो जाएगा कि विद्यार्थी ने विज्ञान ले लिया है, क्योंकि जब स्कूल प्रारंभ होता है तो विद्यार्थी जोश में आकर के पहले तो विज्ञान विषय ले लेते हैं, लेकिन कुछ महीने डेढ़ महीने बाद वो विज्ञान विषय को छोड़ देते हैं। तो जब ये निश्चित हो जाएगा, ये तय हो जाएगा विद्यार्थी ने विज्ञान ले लिया है, तो उस बारे में उसके बारे में विचार किया जाएगा। जो MHA के दिशा निर्देश और NCERT के दिशा निर्देश आएंगे, बोर्ड ने उस हिसाब से तैयारी की हुई है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी और दूरी का पालन करते हुए भी, मास्क का पालन करते हुए, वो सब सूचनाएँ विद्यार्थियों को समय से मिलेंगी। तो 1 से 15 जुलाई के मध्य में ये परीक्षाएँ होंगी और लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को 10 से 15 दिन पूर्व किस चीज़ की परीक्षा है उस विद्यार्थी को सूचना दे दी जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर वही रहेगा, लेकिन डेट शीट नहीं जारी की जाएगी। हाँ, तो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए तो परीक्षा केंद्र बदले भी जा सकते हैं, इसलिए जब रोल नंबर जारी होगा तो उसमें सब सूचना मिलेंगी।